क्या प्राथमिकता रहेगी जिला के लिए? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने गृह जिला में तैनाती दी है। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, आपको मालूम है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है, ये सभी के लिए है, हर परिवार हर लोग इसे किस न किस तरह से इफेक्टेड है, तो ड्रग्स पे काम करना है और इसको जितना हो सके इसको इरेडिकेट करना चाहते हैं समाज से। दूसरा, मेरी प्राथमिकता ये इलीगल माइनिंग काफ़ी होती है, इस पे रहेगी और हम जितना मैक्सिमम चलान्स या जो भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। और रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी यंगस्टर्स हमारे लोग जान गंवा देते हैं रोड में, रोड एक्सीडेंट्स में, तो इस पे भी हम काम करेंगे और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी बाकी जो हमारे पास केसेस हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या जो भी केसेस होंगे उनका एक क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें एक लॉजिकल इंटरव्यू जाएंगे और जो भी लोगों के ग्रीवांसीज हैं, कंप्लेंट्स हैं या शिकायत जो भी कुछ है वो अगर वो उनका किसी भी स्तर पर निवारण नहीं होता तो मुझसे आके मिल सकते हैं, तो हम उसका ज़रूर निवारण करेंगे। जो भी कानून के मुताबिक जो भी एक्शन हमारा बनेगा हम ज़रूर करेंगे। सर, आपने सभी थाना अध्यक्षों के साथ एसएचओ के साथ मीटिंग की है, सर क्या फीडबैक रही है? कुछ एक हेड्स में यहाँ क्राइम थोड़ा ज़्यादा है, उस पर थोड़ा चेक करने की कोशिश करेंगे और बाई एंड लार्ज बड़ा छोटा है, कम्पैक्ट जिला है, क्राइम ठीक है यहाँ, मतलब इतना कंट्रोल में कह सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, क्योंकि ये सीएम साहब की होम डिस्ट्रिक्ट है और एक सी एम का भी होम डिस्ट्रिक्ट पोलिटिकली थोड़ा हॉट है, तो थोड़ा हिसाब से हम थोड़ा कार्रवाई करेंगे जो भी होगा उस पर हम काम करेंगे।